प्रदेश के सबसे बड़े राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था करने के उद्देश्य से लगातार काम किया जा रहा है। दरअसल अब मेडिकल कॉलेज में आधुनिक उपकरणों के साथ नई ओपीडी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका जल्द ही उद्घाटन होने जा रहा है। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सयाना ने बताया है कि अस्पताल में नई ओटी का निर्माण पूरा हो चुका है और इस ओटी में आधुनिक लेप्रोस्कोपिक मशीनें लगाई गई हैं, जिनका 13 अगस्त को विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान एक कार्यशाला का आयोजन भी होगा, जिसमें लेप्रोस्कोपी मशीन से ऑपरेशन करने में महारत हासिल करने वाले देश के मशहूर डॉक्टरों को बुलाया गया है, जिनके द्वारा कॉलेज के चिकित्सकों को ऑपरेशन करके दिखाया जाएगा। साथ ही इन मशीनों के बारे में परीक्षित भी किया जाएगा। अभी लेप्रोस्कोपी विधि से जो हमारे ऑपरेशन होते हैं उसमें कुछ नई मशीनें लगी हैं और उसका विधिवत प्रारंभ जो है जो हम करने जा रहे हैं शील, और हमारी जो नई ओटी इमरजेंसी बिल्डिंग जो बनी है उसका भी जो है विधिवत शुभारंभ होना है। 13 तारीख को सबसे पहले हम वहां पर ऑपरेशन थिएटर में एक सजीव जो कार्यशाला, इसमें जो प्रशिक्षण भी इसमें दिया जाएगा और इसमें पूरे भारतवर्ष से नामी जो सर्जन हैं, विशेषकर लेप्रोस्कोपी विधि से जो ऑपरेशन जो किया जाता है उसमें विशेषज्ञता है उनकी, वे सब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे। पूरे 13 तारीख को पूरे दिन ऑपरेशन होगा और कुछ जो है ऑपरेशन 14 तारीख को होंगे और यहाँ पर ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और कई ऐसे जो है हमने जो है सेमिनार और ऐसे जो है व्याख्यान रखे हुए हैं, उसमें विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा और हमने पूरे उत्तराखंड और पूरे भारतवर्ष में हमने जो है सभी को जो है न्योता दिया है और इस कार्यशाला में जो है हमें लगता है कि पूरे भारतवर्ष से नामी सर्जन यहाँ पर प्रतिभाग करेंगे। फिलहाल अब तक अस्पताल में जो सुविधाएं मरीजों को नहीं मिल पाती थी, अब लोगों को वो सब सुविधाएं दी जाएंगी। नई बिल्डिंग में अत्याधुनिक बेड, लेटेस्ट मशीन समेत कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष टमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।